आधे से ज्यादा कपड़े गाड़ी में ही रखे हुए हैं भाई, यही होता है एंकल्स के साथ तो नहीं। ये है बिफोर शॉट, आफ्टर शॉट थोड़ी देर में दिखाएंगे आप। गिफ्ट आ गए, गिफ्ट आ गए। आप हम के घर आए, हम तो सबको बता देंगे। हेलो जी, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अब दिवाली आने वाली है, 4 दिन बाद दिवाली है, ठीक है। तो अब दिवाली तक इधर उधर आना जाना तो लगा ही रहेगा यार, कभी कोई हमारे घर आएगा, कभी हम जाएंगे दिवाली देने के लिए। तो अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी घर पे कोई आया हुआ है, तो अभी जाके मिलवाते हैं। मैं खुद बड़े टाइम से मिला नहीं हूँ, तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। गिफ्ट आ गए, गिफ्ट आ गए, गिफ्ट आ गए। आप हम के घर आए, हम तो सबको बता देंगे। क्या हाल है भाई? अरे सारी गल्लां छड्डो, परफ्यूम केड़ा लगा? अच्छा उठो ते नहीं आया कितने? है फुफड़ जी और मेरी हैगी है, प्राइवेट शॉप हैगी साडी। तेरी तेरी पार्टी भी देता है। एक मैं भी ले आया हूं, बहुत दिखाना हूं उन्हें। क्या तुम तैयार होने की लोड है? यस, कैसे तैयार? यस, मेकअप करना होता है यू नो। फिर कदों बैठ रहे हैं? बोतल लेके ਉਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਰਾ ਕੇ ਅਭੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ। ਅਭੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੜੀਏ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ? ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, 7 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, तो अभी तो बुआ के साथ ज़्यादा वीडियो अभी बना नहीं पाया क्योंकि दिवाली के टाइम आपको पता ही है कि सबने इधर उधर जाना होता है, और मेरे को भी फटाफट से आना था। मैं सिर्फ मिलने के लिए गया था उनसे, और बाकी कल उनसे दोबारा मुलाकात होनी है। कहीं जाना है, कहाँ जाना है ये तो आपको पता चल ही जाएगा। और बाकी अभी मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड आ रही है, मेरे से बहुत आउटफिट्स बनवाए हैं। हर नेम इज़ शोभा एंड शी इज़ अ एंकर। तो पहले वो आ जाए, बाकी इंट्रोडक्शन वो खुद देगी अपनी, मिलवाते हैं फिर आती है। तो हाँ जी, तो फाइनली शी इज़ हियर। तो आधे से ज़्यादा कपड़े गाड़ी में ही रखे हुए हैं भाई, यही होता है एंकर्स के साथ तो नहीं। सब कुछ इन्फ्लुएंसर भी बन, इन्फ्लुएंसर भी बन गई है जी। तो पहले अब नीचे चलते हैं, पहले कुछ खा पी लो, फिर बाकी बातें बाद में। और मैं इतने टाइम के बाद करण से मिल रही हूं, वो भी बताओ। मेरे को याद ही नहीं है, पता नहीं कब आए थे लास्ट में ये। मेरे ख्याल से मैं लॉकडाउन के बाद अब आई हूं। बनवाते नहीं है जी, मुझे बहुत पसंद है वो, तो मेरे को पता है, मैंने देखा हुआ। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये देखो जरा, इतनी बिजी है ये लड़की, मेकअप भी यही हो रहा है। अब ये है बिफोर शॉट, आफ्टर शॉट थोड़ी देर में दिखाएंगे आप। मैडम, हो गए आप तैयार फाइनली? फाइनली मैं देख रही थी और मैं स्नैप बना रही थी। कौन सी पार्टी जा रहे हो फिर? आज मैं जा रही हूँ दिवाली पार्टी पे, और थैंक यू सो मच करण। थैंक यू किस लिए? मैं तैयार होने दी इसलिए, मतलब मैं आई भी इतने टाइम के बाद, वो भी अपनी पार्टी के लिए एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ रही हूँ। कोई नहीं, चलता है। मेरे को करण बहुत बार बुला चुका था कि आजकल तेरी ड्रेसेस नहीं बन रही है, कहाँ हो, कहाँ बिजी हो। सो सीरियसली मैं यार, तेरा कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग है। मेरे को तो सबसे ज्यादा ये कोट सेट इतनी अमेजिंग लगे ना, कलर्स बहुत अमेजिंग, ट्रस्ट मी। और पता है मेरी ज्यादा तारीफ कर दी है? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बटरिंग नहीं कर रही, मुझे कौन सा कुछ मिलने वाला है। डिस्काउंट तो देता नहीं। बताओ जरा, अभी इतना डिस्काउंट दे देता हूँ, है और फिर डिस्काउंट नहीं देता। सही है। सो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो इसके चैनल को, और जल्दी से शेयर करो वीडियो, लाइक भी करो। आल्सो हिट द बेल आइकन, इसका काम मैं कर रही हूँ, मेरे को पैसे मिलने चाहिए। हाँ जी, तो नाउ आई एम बैक टू बेसिक। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बीवी के पास वापस आ गए हैं। अरे वो मेरी फ्रेंड आई थी ना शोभा, आज तू नहीं जानती उसको, तो उसके साथ भी मतलब कि ज्यादा व्लॉग तो बना नहीं पाया। बनाया क्या, मतलब कोई हमारा वो थोड़ी ना था, प्लान नहीं था। मैं अब ये मत समझने लग गए सारे, मैं तेरे को सफाइयां दे रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा कुछ। हाँ, वो एक्चुअली यार फ्रेंड है, फ्रेंड किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
हुआ क्या कि ब्लॉग इसलिए ज़्यादा बनाया नहीं क्योंकि एक तो उसको पता ही नहीं था कि मेरा चैनल है। मैंने उसको बताया जब मेरी मुलाकात हुई उससे यार बहुत टाइम बाद। पहले वो काफ़ी आउटफिट्स बनाती रहती थी जब वो मेरे नियर बाय घर के पास ही रहती थी, घर के नहीं सॉरी स्टोर के जब नियर बाय रहती थी। तो अब वो थोड़ा शिफ्ट हो गई है दूर मेरे ख्याल से फरीदाबाद साइड, तो उसका इधर दिल्ली चक्कर अब कम ही लगता है। तो फिर इसी चक्कर के अंदर यार आपको बताइए तो जी एंकर्स की जो लाइफ होती है बड़ी डिफिकल्ट होती है, टाइम बहुत ही कम होता है उनके पास। तो इसलिए फिर उसको अब नियर बाय कोई उधर स्टोर मिल गया तो वहाँ से आउटफिट उसके बन जाते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि मेरे आउटफिट्स वो नहीं पहनती, मेरे आउटफिट्स भी अभी उसने बहुत पहने हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे फ़ोन के अंदर अभी कोई फ़ोटो होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अदरवाइज जो जो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज फॉलो कर रहे हैं उनको तो नज़र आ ही जाएंगी। ये डिब्बा देख रहे हो आप, ये डिब्बा देख के आपको लग गया होगा पता कि इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ऐसे नहीं पता मम्मी को भी नहीं पता। मम्मी के साथ मम्मा तो अड्डे नाल ही ओपनिंग करा ना। क्या होता है एसिड, एसिड डिब्बों के अंदर क्या होता है गोल्ड कड़े 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 होते हैं। तो आज मेरी बीवी को ऑफिस से गिफ्ट मिला है जो उसके सीनियर है, सीनियर का नाम है दीपक सर। ठीक है अगर सर आप देख रहे हो थैंक यू। अब आपको भी दिखा देते हैं सबको कि क्या दिया है यार, बड़ा महंगा दे दिया। वैसे यार महंगे सस्ते वाली बात नहीं है लेकिन प्यार से दी हुई हर चीज अच्छी होती है, प्यार से दी हुई हर चीज महंगी भी होती है अच्छी भी होती है। अच्छा दिखाता हूँ रुको जरा, अच्छी है। पहले आप देखो तो जी डिब्बा, चलो मम्मी दिखाएंगे, दिखाओ जी दिखाओ। टैन 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 टिक टिक काजू बादाम, नहीं काजू बादाम काजू और किशमिश, काजू तो मेरे काम ही आएगा। और ये चांदी का चम्मच, दिवाली का टाइम है वैसे भी तो फिर आपको पता है फिर ओए दो चम्मच माहौल बन जाता है तो काजू काम आ जाएगा हमारे। सुन ना दो चम्मच किस एक, चलो थैंक यू सर, थैंक यू बोलो तुसी भी, थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर, मेरा बेटा भी दीपक। दीप मैं नहीं हूँ दीपक, हम ही बोल रहे हैं मेरे को छेड़ते रहते हैं, मेरा नाम दीपक नहीं है जी। ठीक है जवान फिसल गई। हाँ तो दान टूटा हुआ है ना साइड में इनका। हाँ मैं इधर से बात कर रही हूँ सर। ओए ओए ये लाइटें तो मैंने अब देखी है घर के पास मार्केट में, बढ़िया लगाई है, पहली बारी इतने सालों में यहाँ पे लाइटें लगी हैं। चलो दिवाली आने वाली है अब लाइटें देख के पता चल रहा है। हाँ जी तो बस अब मार्केट से घर आ गए हैं, थोड़ा बहुत सामान सून लेना था, आपको पता ही है यार शॉपिंग तो फिर अब चलती रहेगी दिवाली तक। बाकी सामान अभी गाड़ी में रखा हुआ है क्योंकि सुबह जाना है मैंने कहीं, अब कहाँ जाना है वो तो आपको कल पता चल जाएगा। और बाकी अब मैंने ना ये सोचा है यार कि मैं वीडियो ना 8 या 10 मिनट तक की ही बनाऊंगा, इससे बड़ी वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जितनी छोटी वीडियोज़ होती है उसका आजकल ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ट्रेंड भी यार आजकल मैंने देखा है शॉर्ट्स का ज़्यादा हो गया, तो कोशिश करेंगे कि 8 से 10 मिनट के बीच की वीडियो बनाए। बाकी कभी अगर कहीं जाएंगे ट्रैवलिंग वगैरह पे या कोई ख़ास कोई चीज़ होएगी तो बड़ी भी बन जाएगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जी फिर बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। और बाकी अब दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं तो अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे, सबसे मिलवाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। हो सकता है कि शायद सैटरडे को या संडे को सारे फ्रेंड्स वगैरह मेरे घर पे आएंगे या मैं कहीं जाता हूँ, अभी डिसाइडेड है नहीं, जो भी होगा अपडेट आपको मिल जाएगा। तो जी टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही अगले व्लॉग में, बाय बाय। अभी बाहर वीडियो एंड करके आया हूँ और रूम में अभी घुसा हूँ, मैं कहा चलो अब रात के 11:30 हो गए हैं सोते हैं, कल सुबह जल्दी भी उठना है, उठते तो वैसे रोज ही हैं, कल जाना भी है तो तैयारी भी करनी है। तो अब रूम में आए हैं तो ये रूम का हाल देख लो, ये मैडम जी ने दुकान खोल के बैठी हुई है। क्या करना है तूने वैसे इसका, ये जो तूने इतना कुछ खोला हुआ ये है यार, वो कल सुबह ऑफिस जाना है ना तो उसके लिए मैं इयररिंग देख रही हूं। तो ऑफिस में अब तूने ये बेचना जाके, ये भी काम शुरू कर दिया और साइड बिजनेस। अरे नहीं देखो मेरे पास कितनी कलेक्शन, किसी ने मंगवाया? चलो करो करो जल्दी करो, नींद आ रही है। अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ फाइनली दोबारा से, ठीक है चलो जी बाय बाय, मिलते हैं फिर।